सोलन में आखिर 7 माह बाद सिनेमा घर खुल ही गया, जिसके चलते जो व्यक्ति काफी समय से सिनेमा नहीं देख पा रहे थे उन्हें अब बड़े पर्दे पर फिल्म देखने को मिलेगी। सोलन सिनेमा घर में 2 फिल्में दिखाई जा रही हैं। सिनेमा घर को सैनिटाइज कर मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए गार्ड को तैनात कर दिया गया है। जब कोई व्यक्ति फिल्म देखने के लिए आएगा तो उसका नाम और पता भी लिखा जाएगा। दर्शकों को एक कुर्सी छोड़कर बैठना पड़ेगा। वहीं ऑडिटोरियम में खाने पीने की कोई भी चीज ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी व्यक्ति कैंटीन में ही आकर खाने पीने का सामान ले पाएंगे। 50% क्षमता पर ही सिनेमा घर को चलाया जा सकता है। अधिक जानकारी देते हुए सिनेमा घर की प्रबंधक नेहा शर्मा ने बताया कि जो भी निर्देश केंद्र सरकार से प्राप्त हुए हैं उन दिशा निर्देशों पर आज से सिनेमा घर को खोल दिया गया है। किसी भी तरह से कोई ढील नहीं दी जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग से लोग अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। सिनेमा घर को फिल्म खत्म होने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। साफ सफाई का भी बेहद ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज दर्शकों की संख्या बेहद कम रही, लेकिन उम्मीद है कि जल्द दर्शक फिल्म देखने के लिए आएंगे। जी, मेरा नाम है नेहा शर्मा, एज ए मैनेजर यहाँ पे हूँ। अभी हमारा आज से थिएटर ओपन हुआ है, जिसमें कि अभी SOPs के अकॉर्डिंग ही हम सारा अपना वर्क शुरू कर रहे हैं, जिसमें अभी आज से हमारी 2 मूवियाँ रिलीज़ हो रही हैं। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का तो हमारा मेन है ही, जो कि SOPs में भी दिया गया है। हर सीट में डिफरेंस होगा ही, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग ही है। बाकी मूवी टिकट्स का हमारा ऑनलाइन चल रहा है बुक माई शो से, और स्कैन का भी उसी में ई टिकट्स का हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि कस्टमर इजीली बुकिंग कर सकते हैं। जी, अभी तो हमारे काउंटर्स भी ओपन हैं, जिसके लिए फैसिलिटी हमारे पास है। सैनिटाइज होने के बावजूद अगर हम कस्टमर QR कोड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं बुकिंग का।